हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के बारे के अंदर कि उन्होंने जो कारवा आगे बढ़ाया उनको बताने के लिए, उनके जीवन को बताने के लिए हमारे बीच में है दिल्ली प्रदेश के प्रभारी पूर्व विधायक गोकलपुर से आदरणीय सम्मानित सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, आपका एसएम न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, स्वागत है। सुरेंद्र जी, आज माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, 21वीं सदी के महानायक माननीय कांशीराम साहब को क्यों कहा जाता है? आज माननीय कांशीराम साहब का 11वां परिनिर्वाण दिवस है। दिल्ली नहीं, पूरा देश आज माननीय कांशीराम साहब को नमन करता है और श्रद्धांजलि देता है। इसलिए है क्यों, इसलिए कहा कि इस देश के गरीब, दलित, शोषित, ओबीसी के लोगों को माननीय कांशीराम साहब ने अपनी वोट की ताकत को बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी पर आधारित कर माननीय कांशीराम साहब ने DS4 बामसेप और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे और माननीय कांशीराम साहब ने इस देश के गरीब आदमी को, गरीब की बेटी, गरीब के बेटे को, बेटी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, देश के सबसे बड़ी राज्य की मंत्री बनाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने कहा किया है। और इसलिए माननीय कांशीराम साहब को 21वीं सदी का महानायक इसलिए कहा गया है, महापुरुष इसलिए कहा गया क्योंकि 21वीं सदी हमारी होगी। इस देश में 21वीं सदी में बहन मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री 2019 में बनने जा रही हैं। इसलिए 21वीं सदी इस देश के ओबीसी, दलित, शोषित समाज के लोगों के लिए माननीय कांशीराम ने कहा कि ये वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चला, क्योंकि वोट हमारे पास है और आज हम दूसरे लोगों को बनाते हैं, उसी को बताकर उसकी ताकत बताने का काम माननीय कांशीराम ने कहा।